नवरात्र पर्व के समापन के बाद शनिवार को भी दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी रहा। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट भटौली स्थित विसर्जन कुंड सहित सभी विसर्जन स्थलों पर श्रद्धालु प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए पहुंचे। भटौली स्थित विसर्जन कुंड में शनिवार सुबह तक 50 से ज्यादा दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। नवरात्र पर्व के समापन के बाद शुरू हुआ दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। विसर्जन कुंडों और विसर्जन स्थलों पर श्रद्धालुओं और दुर्गा उत्सव समितियों के सदस्य दुर्गा प्रतिमाएं लेकर पहुंचे और शासन की गाइडलाइन के अनुसार दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया। भटौली स्थित विसर्जन कुंड में शनिवार सुबह तक लगभग 50 प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा चुका था। विसर्जन स्थल पर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस का संयुक्त अमला तैनात है। वहीं प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। लगभग 50 प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है और ये इसमें जो बड़ी प्रतिमाएं आती है इसमें क्रेन के द्वारा उनका विसर्जन होता है। इसलिए भी हम लोगों को 19 तारीख तक का है। यहाँ पे कुंड करीब कितनी लंबाई चौड़ाई का बनाया गया? लगभग 80x80 के हिसाब से ऐसा है कुछ। और इधर पे कितने अपने कर्मचारी लगे हुए हैं? कर्मचारी होंगे तो सबकी शिफ्ट लगी हुई है, 24 घंटे की शिफ्ट है और वो लगातार यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। पुलिस का पूरा सहयोग रहता है। मां नर्मदा विसर्जन कुंड में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम तीनों के संयुक्त सहयोग से ये बहुत बृहद व्यवस्था जबलपुर शहर में की गई है और अभी तक 50 मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है और आज विशेष रूप से मूर्तियों की आने की संभावना है जो बहुत ही संख्या में ज़्यादा रहेंगी। उसके लिए पूरे प्रशासन चाक चौबंद है और जो कि ग्वारी घाट के झंडा चौक से लेकर भटौली तक पूरी लाइटिंग की, सफाई की और भटौली घाट में गोताखोरों की ड्यूटी, नाविकों की ड्यूटी, साथ ही साथ सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी 24 घंटे यहाँ लगाई गई है। प्रशासन की जो गाइडलाइन है कि भाई उचित दूरी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, कोविड अभी हटा नहीं है, इसका हम सबको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन चीज़ों को हम लोग ने ध्यान रखते हुए अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी है। पुलिस और प्रशासन द्वारा विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 3 दिनों विसर्जन का है, तीनों दिन हम जो विसर्जन स्थल है उनका अनुभागवार सभी ड्यूटी लगाई गई है। वहाँ पे नगर पालिका और स्थानीय जो भी ग्राम पंचायत है उनसे सहयोग लिया गया है, लाइटिंग की व्यवस्था कराई गई है और जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से सिर्फ मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था की गई है और किसी भी प्रकार का जुलूस वगैरह प्रतिबंधित किया गया है। और इस पर हमारी लगातार सतत रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र की थाना पुलिस है वो उस पर मॉनिटरिंग कर रही है। प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए बनाए गए विसर्जन कुंड में होमगार्ड के तैराकों और गोताखोरों की भी तैनाती की गई है।